नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एडिजेट। जनपद हाथरस में कोरोना महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा कर रहे प्राइवेट व सरकारी चिकित्सकों का नगर पालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा ने अपनी टीम के साथ भव्य स्वागत व सम्मान किया। श्री शर्मा ने कहा है कि ये डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और ऐसे समय में चिकित्सकों का सम्मान करना चाहिए। समाचार एडिजेट के लिए हाथरस से हबीब खान की रिपोर्ट। सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष आशीष शर्मा जी और जितने भी यहाँ पदाधिकारी और जनता के लोग हैं, उन्होंने हम लोगों को स्वागत किया। हम सभी लोग आपका आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन इसकी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग इस विभाग में आते हैं तो हम जनता की सेवा करने के लिए, हमारे लिए कोई गरीब अमीर नहीं होता है, हमारे लिए कोई चोर या बड़ा आदमी नहीं होता है, हमारे सभी पीड़ित और रोगी होते हैं। हम उनके लिए जो सेवा कर सकते हैं, हम अपनी लगन से सेवा करते हैं, हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और इस समय की कोरोना की इस लड़ाई में हम अपने दिल और जान से पूरी तरह से लगन से कार्य कर रहे हैं और हमेशा करते आए हैं, और चाहे इससे भी बड़ी समस्या आ जाए, हम आपसे चाहते हैं कि जो शासन से निर्देश हैं कि दूरी बना के रखते हुए हम बीमारी को अपने आप को बचाएं और जनता की सेवा करें और हम सब लोगों से ये कोरोना दूर भाग जाए, मैं यही अपेक्षा करता हूं। आप लोगों का सहयोग चाहता हूं। थैंक यू। का बहुत बड़ा एक प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में हुआ है, उसमें हमारा देश जिस प्रकार से लड़ रहा है, उसमें अगर फ्रंट लाइन पर सबसे पहले लड़ रहा है तो वो डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, हालांकि नगर पालिक सफाई कर्मचारी इसमें बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे मेन लड़ाई है वो डॉक्टर्स लड़ रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे शहर के और हमारे जिला अस्पताल के डॉक्टर्स जो हैं वो पूरी तरीके से हर तरह 24 घंटे मुस्तैद रहकर 24 घंटे उन मरीजों की मदद कर रहे हैं, और कोई भी किसी प्रकार की समस्या है 24 घंटे उनका सहयोग कर रहे हैं। उन सभी डॉक्टर्स में जितने आज यहाँ आ पाए हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का था, हमने उनका सम्मान किया है और उनसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध किया है कि देश में हो सकता है किसी से मानवीय भूल हो गई हो, लेकिन उस भूल को बच्चों की तरह क्षमा करके आज उनको इसी प्रकार से लड़ाई से हमें कोई जिता सकता है तो ये डॉक्टर, ये भगवान ही हमें जिता सकते हैं। भारत माता की जय हो।